हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल SMII पे। आइए इस वीडियो में बात कर लेते हैं लांसर कंटेनर लाइंस लिमिटेड के स्टॉक की। आज इस स्टॉक में नियरली 1% के अराउंड गिरावट देखने को मिल रही है। ये स्टॉक 494.50 रुपीज़ पर ट्रेड करता आपको दिखाई दे रहा है एट नियरली 12:23 PM। तो आइए इसके लेटेस्ट ट्रेंड चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसके नंबर जो हैं वो पॉजिटिव रहे थे लेकिन इसमें गिरावट हो रही है। आइए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट लेवल जान लेते हैं। एंड तक जरूर आप हमारे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, पहले इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस करें। इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कर लें। दोस्तों, जो लांसर कंटेनर लाइन्स है ये एक शिपिंग कंपनी है, लॉजिस्टिक सेक्टर में डील करती है। और इस कंपनी का जो स्टार्ट हुआ था वो 2011 में हुआ था। इंडिया बेस्ड कंपनी है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के 197 हैं। तो आइए लेटेस्ट फाइनेंशियल चेक कर लेते हैं। पहले भी हमने इसको कवरेज करके बताया था, इसके रेवेन्यू में 66% की बड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है ऑन ए ईयर ऑन ईयर बेसिस इन द सितंबर क्वार्टर रिजल्ट्स। और इसका जो रेवेन्यू है 227.32 करोड़ का आया है। नेट इनकम देख लो 15.86 करोड़ की है, यहाँ पे 163% की ग्रोथ है। डिल्यूटेड ईपीएस देख लो 4.27 है, 113% की ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट मार्जिन देख लो 6.98% है, 59% की ग्रोथ है। ऑपरेटिंग इनकम देख लो 149% की ग्रोथ है। मतलब के सितंबर क्वार्टर के नंबर इसके पॉजिटिव आ चुके हैं, बढ़िया आ चुके हैं। और इसके मार्जिन भी इंप्रूव हो गए हैं और इसके जो रेवेन्यू है वहाँ पे भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। टॉप लाइन में भी अच्छी ग्रोथ है। तो इसके आप कह सकते हो एक तरह से नंबर जो है बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की, लास्ट 5 डेज में देख लेते हैं किस तरह के नंबर हैं। अब इस स्टॉक में कंसोलिडेशन शुरू हो चुकी है। लास्ट 5 डेज में जरूर 5.65% की रैली हुई है, लेकिन 516 के लेवल को टच करने के बाद अब इस स्टॉक में कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये भी आपको जरूर नोट करके रख लेना चाहिए। पहले ही 1 मंथ में बड़ी रैली हो चुकी है, 20.92% की रैली हो चुकी है। तो अपर रेजिस्टेंस लेवल हमने आपको बताया है इसका जो अब 505 के अराउंड है, जबकि अब इसका जो लोअर सपोर्ट लेवल है वो पहला सपोर्ट लेवल इसका जो है वो 477 का है। जब तक ये स्टॉक ये वाला लेवल नहीं तोड़ता है, इसके ऊपर रहता है, तब तक कोई बड़ी गिरावट इसमें नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन यदि ये स्टॉक ये वाला लेवल भी तोड़ देता है तो फिर इस स्टॉक में आपको बड़ी गिरावट होते दिख सकती है। ये स्टॉक 400 के लेवल के अराउंड भी जाता दिख सकता है, जो कि इसका लोअर सपोर्ट लेवल है। तो उस टाइम इसमें एक अच्छा मौका होगा निवेश का। यदि दोस्तों ये स्टॉक और नीचे जाता है तो इस स्टॉक में आप अकमुलेट करें, सिप के थ्रू अकमुलेट करें, क्योंकि इसके फाइनेंशियल अच्छे आ चुके हैं, बढ़िया आ चुके हैं, टॉप लाइन में ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो जितना ही ये नीचे जाएगा उतना ही और इस स्टॉक को खरीदें, क्योंकि 6 मंथ में पहले ही बड़ी रैली हो चुकी है। तो अब थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग इस स्टॉक में आती है तो वो हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि 125% के रिटर्न्स लास्ट 6 मंथ में देखने को मिल चुके हैं। जीयर टिल डेट में 129% के रिटर्न्स हैं, 1 ईयर में भी सेम टाइप के रिटर्न्स हैं, तो बढ़िया रिटर्न्स हैं। दोस्तों, इसका मार्केट कैप देखो 1.49,000 करोड़ का है, जबकि पीई रेशो 32 के अराउंड चल रही है। तो वैल्यूएशंस भी डिसेंट हैं, फाइनेंशियल भी अच्छे हैं, स्टॉक अच्छा है। लेकिन शॉर्ट टर्म में यदि वॉलेटिलिटी आती है तो उसका आपको पूरा पूरा फायदा उठाने की ज़रूरत है। आप इस स्टॉक को सिप के थ्रू जो है वो अकमुलेट करते रहें और इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बने रहें। फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। तो आइए इसके एनुअल ग्रोथ पैटर्न भी देख लेते हैं। क्वार्टरली बेसिस पे देखो, पहले हमने आपको बता दिया है जो सितंबर क्वार्टर के नंबर्स आए हैं बहुत ही शानदार हैं। रेवेन्यू बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है, मार्जिन बढ़ रहा है, तो ओवरऑल ट्रेंड इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। एनुअल देखो डाटा कितना शानदार है। यहाँ पे चार्ट पे ध्यान दोगे ना आप, देखो रेवेन्यू देख लो ब्लू कलर में जो इसका रेवेन्यू है, ये देखो कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है जीरो ऑन जीरो बेसिस पे फ्रॉम द लास्ट 5 ईयर्स। और स्पेशली 22 में देखो कितना शानदार रेवेन्यू में जंप देखने को मिला हुआ है। सिमिलरली इनकम देखो येलो कलर में, वो भी स्लोली स्टेडली इंप्रूव हो रही है, तो अच्छी इंडिकेशन है। फाइनेंशियल ईयर 22 का डाटा हम आपके सामने पेश करेंगे। ये देखो रेवेन्यू देखो कितना शानदार ग्रोथ शो कर रहा है, 105% की ग्रोथ शो कर रहा है। मतलब रेवेन्यू डबल से भी ज़्यादा ग्रो हो रहा है। एक्सपेंस भी 22% के हिसाब से बढ़ रहा है। नेट इनकम 200% के अराउंड ग्रो हो रही है। मार्जिन भी 45% के हिसाब से ग्रो हो रही है। ओवरऑल ट्रेंड बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही बढ़िया है। एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक निकल कर आ रहा है। और इसकी बैलेंस शीट भी देख लो, बैलेंस शीट भी अच्छी है। यदि आप
फाइनेंशियल ईयर 22 की बैलेंस शीट देखो तो डाटा बहुत ही शानदार है, कैश भी बढ़ रहा है, एसेट्स भी बढ़ रहे हैं और लाइबिलिटीज़ भी बढ़ रही हैं। अब बात करते हैं इसके सितंबर क्वार्टरली नंबर्स की। देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी सितंबर 21 के कंपैरेटिवली सितंबर 22 में कितनी बड़ी ग्रोथ देखने को मिली है। रेवेन्यू भी बढ़ रहा है और येलो कलर में आप देख सकते हो इसका जो इनकम है वो भी बढ़ रहा है, तो अच्छी बात है। तो ये सारे ट्रेंड्स बहुत ही पॉजिटिव हैं, बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रांग है और इसके लेटेस्ट क्वार्टरली नंबर्स भी पॉजिटिव आ चुके हैं। तो इसको डिप में बाई करें और लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करें तो आपका बढ़िया यहाँ पे रिटर्न्स बनता दिखाई दे सकता है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है, शॉर्ट टर्म में कोई भी पोजीशन बनाने से बचें। इवन नंबर पॉजिटिव आने के बाद भी इस स्टॉक में ऐसा नहीं है कि एक मंथ में ये स्टॉक आपको अच्छे रिटर्न्स देता दिखाई दे सकता है, क्योंकि पहले ही ये स्टॉक बहुत ही तेज़ी से भाग चुका है, बहुत ही बड़ी रैली शो कर चुका है। सो थैंक्स अगेन, नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।